Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we'll learn how to create a heart button using HTML, CSS and JavaScript. अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पेज के बीच में एक मैसेज है जिसमें पूछा गया है डू यू लाइक दिस। पीछे का बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर सा है, जैसे कि पिंक और पर्पल। सो जब तुम उस मैसेज पर क्लिक करते हो तो ये हार्ट सारे स्क्रीन पर पॉप होने लगते हैं। ये हार्ट एक के बाद एक आते हैं अलग अलग स्पीड में, जो कि सच में मस्त दिखता है, पर ज्यादा हार्ट स्क्रीन पर एक साथ नहीं होते। थोड़े टाइम बाद पहले का हार्ट जो है वो गायब हो जाता है। बॉडी टैग के अंदर हमारे वेब पेज का मेन कंटेंट होता है। एक डिव है जो एक आईडी के साथ है जिसका नाम कंटेनर है। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है जो कहता है डू यू लाइक दिस। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग है जो एक आइकन ऐड करने के लिए यूज करेंगे बाद में। नाउ लेट्स डू सीएसएस। लेट्स टेल द बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट में एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड है जो 45 डिग्री एंगल में है, पिंक से वायलेट तक जाता है। ये पूरा व्यू पॉइंट को बढ़ता है विड्थ और हाइट से और किसी भी डिफॉल्ट मार्जिन को रिमूव कर देते हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन पे सेट किया है स्क्रॉलिंग को रोकने के लिए और कंटेंट फ्लेक्सिबिलिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर पे है। Now let's tell the container. कंटेनर को ब्लर इफेक्ट देता है। बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी कंटेनर के आसपास शेडो इफेक्ट को ऐड करता है डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए। कंटेनर के कॉर्नर्स राउंडेड है और ये फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके अपना कंटेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेंटर किया है। अंदर के टेक्स्ट खास फॉन्ट साइज, पैडिंग और फॉन्ट फैमिली के साथ स्टाइल किया गया है। Now let's tell the heart icon. ये कंटेनर को एब्सोल्यूट पोजीशन पे सेट किया है। एनिमेशन हार्ट मूव लीनियर वन पे सेट किया है। एक फ्लोटिंग इफेक्ट है जो सिमुलेट करता है। हार्ट आइकन का कलर, साइज और इनिशियल पोजीशन डिफाइन है। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एंश्योर करता है कि हार्ट आइकन कंटेनर के कंटेंट के पीछे अपीयर हो। नाउ लेट्स सेट की फ्रेम। ये शुरू होता है हार्ट आइकन का 10 व्यूपॉइंट हाइट से और खत्म होते हैं 110 व्यूपॉइंट हाइट नीचे तक। इससे हार्ट आइकन का अपीयरेंस क्रिएट होता है जो कि कंटेनर के ऊपर से नीचे तक फ्लोट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट के पहले पार्ट में एचटीएमएल से बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। अगला एक फंक्शन है जो क्रिएट हार्ट के नाम से है। ये फंक्शन हर बार जब कॉल होता है तो एक नया हार्ट आइकन बनाता है। हर आइकन को पोजीशन और एनिमेशन ड्यूरेशन रैंडम होता है। इसका मतलब है कि हार्ट आइकन स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे और अलग अलग स्पीड से ऊपर उड़ेगा। एक हार्ट आइकन को बनाने के बाद फंक्शन उसे बॉडी एलिमेंट में ऐड करता है ताकि ये वेब पेज पर दिखाई दे। यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसे रिमूव एक्सेस हार्ट कहते हैं। ये फंक्शन ये चेक करते हैं कि स्क्रीन पर ज्यादा हार्ट आइकन है या नहीं। अगर 200 से ज्यादा है तो सबसे पुराने हार्ट को रिमूव कर देता है। इससे वेब पेज को हार्ट से बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होने दिया जाता है। एंड में जो लाइक दिस टेक्स्ट के साथ एक इवेंट लिसनर जोड़ा गया है। जब कोई इस टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो ये रेगुलर इंटरवल्स पर हार्ट की क्रिएशन को ट्रिगर करता है और भी एक्सेस हार्ट को आइकन को रिमूव करने के लिए चेक करता है। Now let's set light test element in style the container. Here we set the cursor to pointer and hover set किया है text duration को none से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।